आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा स्थगित, ट्वीट कर कहा पुणे की रैली में दूंगा जानकारी। पीएम मोदी ने कहा देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास और उम्मीद से देख रही, 21वीं सदी भारत के लिए महत्वपूर्ण। कर्नाटक में आफत की बारिश, धारवाड़ में स्कूल कॉलेज एक दिन के लिए बंद, सीएम ने लिया जायजा। एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाली कॉल निकली फर्जी, कर्नाटक में सीआईएसएफ और पुलिस ने एयरपोर्ट पर गहन जांच की। स्वदेशी उपकरणों वाले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की पहली 5G वीडियो कॉल। उधमपुर जिले के मरगना वन क्षेत्र में जंगल में लगी आग, आग पर काबू पाने की हो रही कोशिश। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, सरकार से अपेक्षा नहीं करते थे लोग, 2014 के बाद बदली सोच। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी, भ्रष्टाचार का है आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया आग्रह, कहा असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आए आगे। रामबन नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढहा, करीब 10 मजदूर मलबे में दबे, बचाव कार्य जारी। बिहार में तेज आंधी का कहर, यूपी में बारिश के आसार, दिल्ली में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। छह राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 72,000 करोड़ का बकाया, विद्युत मंत्रालय के सचिव ने लिखा पत्र। सत्ताईस महीने बाद जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान, दोनों बेटों ने किया स्वागत, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल ने बताया सुखद दिन। जेल के बाहर सपा नेता आजम खान का हुआ जोरदार स्वागत, सामने आई तस्वीरें, अखिलेश यादव ने भी किया ट्वीट। अलीगढ़ में कांग्रेस नव संकल्प शिविर का आयोजन, कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रतिमा सिंह ने की शिरकत। रिश्तों में खूनी खेल, बरेली में पति बना पत्नी का कातिल, आरोपी पति ने वारदात को तब दिया अंजाम जब पत्नी बाजार से घर जा रही थी। बुलंदशहर में डिजिटल हुआ रिश्वतखोरी का खेल, सीएचसी में तैनात डॉक्टर की खुली पोल, सरकारी विभाग के कर्मचारी खुलकर रिश्वत लेते हुए आए सामने। मैनपुरी में प्यार बना मौत की वजह, कब्र से निकाला गया युवती का शव, दोनों में शादी को लेकर कुछ अनबन चल रही थी।
फरुखाबाद में खुले नाले में गिरकर फंसी गाय, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। गौ संरक्षण की मुहिम को पलीता, लगाता दिखाई मंजर। मैनपुरी में रफ्तार ने भर पाया कहर, बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत, बस सवार कई यात्री हुए घायल। कान्हा की नगरी मथुरा में मथुरा की नगर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बोले डिप्टी सीएम, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में न्यायालय का फैसला मानना होगा। आजमगढ़ में पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर कसा शिकंजा, करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जुमे की नमाज मोहल्ले की मस्जिदों में पढ़ने की अपील। मेरठ में 1 लाख के इनामी सनी काकरांत ने घर में घुसकर एलएलबी के छात्र को मारी गोली, छात्र की मौत, गैंगस्टर की तलाश में एसटीएफ। लखनऊ पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधान भवन में करेंगे ई विधान प्रणाली का उद्घाटन। लखनऊ के केकेवी में जुलाई से शुरू होंगे एमए एमएससी एमकॉम में दाखिले के आवेदन, नए कोर्स भी हुए शामिल। सुल्तानपुर में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी कार, बस्ती में तैनात ज्वाइंट बीडीओ की मौत, चालक घायल। बेरोजगारों के सपनों को लगेंगे पंख, मिलेगी नौकरी, लखनऊ में 26 को बड़े स्तर पर लगेगा रोजगार मेला। फौजी पति को वीडियो कॉल कर महिला कांस्टेबल ने लगाई फांसी, 4 साल पहले हुई थी शादी। नगर आयुक्त का सभी जोनल अधिकारियों को आदेश, लखनऊ में अवैध पार्किंग चलाते मिले तो दर्ज होगा मुकदमा। लखनऊ में 2 दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, विधानसभा में विधायकों का होगा प्रबोधन कार्यक्रम। सोलह पुराने कॉलेजों में शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम, 4 नए महाविद्यालयों में भी कई कोर्स पढ़ाए गए। मेरठ के किठौर में भाजपा पदाधिकारी पर फायरिंग, लूट करने की कोशिश। बहराइच में जमीनी विवाद में कुदाल से वार कर वृद्ध की हत्या, बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुई वृद्ध। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होगी, मंदिर परिसर में बनेगा एसपी कार्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम। सीएम योगी का अलीगढ़ के अफसरों को 48 घंटे का अल्टीमेटम, योगी के फरमान पर हुआ अमल तो शहर को मिलेगी जाम से राहत। भीषण गर्मी में रेलवे स्टेशन पर पानी की किल्लत, मुरादाबाद में रोज 14,000 बोतल पी जाती है। अब लखनऊ सिटी बसों में भी करे कैशलेस यात्रा, 3 तरह के स्मार्ट कार्ड जारी करेगा नगर बस प्रबंधन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों को किया सम्मानित।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला, बोले इन्होंने चंद पूंजीपति घरानों के पास बंधक बना दी अर्थव्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान जेल से रिहा, रिहाई के समय शिवपाल यादव रहे मौजूद। आठ सौ बारह दिन बाद जेल से रिहा हुए आजम खान, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी बधाई, बोले झूठ के लम्हे होते हैं सदियां नहीं। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार की बड़ी मुश्किलें, योगी सरकार ने की बर्खास्त करने की केंद्र से सिफारिश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एक साल के अंदर बुंदेलखंड की 20 नदियों सहित प्रदेश की 61 नदियों का मनरेगा से होगा पुनरुद्धार। यमुनोत्री हाईवे पर फिर भूधसाव, 25 घंटे बाद हुआ था सुचारू, 300 से अधिक बस फंसी, राजमार्ग पर बनी जाम की स्थिति। उत्तराखंड पुलिस भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने आया युवक फर्जी आई कार्ड से कर रहा था ठगी, शिकायत पर खुली पोल। केदारनाथ पैदल मार्ग में घायल हुए युवक को हेली एम्बुलेंस से लगाया गया एम्स ऋषिकेश, खच्चर से गिरकर लगी थी चोट। हरिद्वार पहुंची ज्ञानव्यापी परिसर विवाद की आज, संत समाज ने की अखिलेश यादव के बयान की कड़ी निंदा। उत्तराखंड के चमोली में बिक रहा सबसे महंगा पेट्रोल, घरेलू सिलेंडर के दाम 3 रुपए बढ़े, गैस सिलेंडर कंधे पर उठाकर प्रदर्शन किया। काली नदी किनारे नेपाल ने बड़े क्षेत्र में बनाया तटबंध, भारतीय क्षेत्र में बढ़ा दबाव, सबसे उपजाऊ क्षेत्र को सबसे बड़ा खतरा। उत्तराखंड में बढ़ा साइबर क्राइम, लंबित मुकदमों का ग्राफ, पुलिस के लिए बना चुनौती, एक इंस्पेक्टर के पास आईटी एक्ट के 30 से ज्यादा केस। देहरादून में हुआ गोल्ड कप का आगाज, देश भर से 16 टीमें ले रही हिस्सा, हीरा सिंह ने समर्थकों के साथ स्पोर्ट्स कॉलेज के गेट पर दिया धरना। चंपावत उपचुनाव में पत्नी गीता धामी ने थामी सीएम धामी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी, सुबह से रात तक डोर टू डोर कैंपेन। उत्तराखंड में हर साल बढ़ रहा सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ, लेकिन मानकों के सापेक्ष केवल 20% यातायात पुलिस। मुख्यमंत्री धामी को कड़ी टक्कर देने के लिए अंतिम हफ्ते में ताकत झोंकेगी कांग्रेस, गरीब कल्याण कार्यक्रम आयोजित करेगी भाजपा। चंपावत उपचुनाव के पहले सीएम धामी ने 3 मुफ्त सिलेंडर का तोहफा देकर चला बड़ा दांव। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुआ संवाद, बोले जन सुझाव से बनाएंगे सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट। चारधाम यात्रा में बीमार हुआ परिवहन विभाग, लोकल रूट पर ड्राइवरों ने बसें चलाने से किया इनकार। छोटा कैलाश ओम पर्वत के यात्रा टेंडर को लेकर घमासान, हाईकोर्ट ने धामी सरकार से मांगा जवाब। बदहाली के कगार पर पाकिस्तान, सभी लग्जरी वस्तुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
पाकिस्तान में बलूच महिला की गिरफ्तारी का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने नूरजहां को तुरंत रिहा करने की मांग की। श्रीलंका में 9 नेताओं को मिली रानिल विक्रमसिंघे की कैबिनेट में जगह, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। चीन के शंघाई में फिर मिले कोरोना केस, बीते 5 दिनों में नहीं आया था एक भी मामला, कई लोग अभी भी घरों में कैद। दलाई लामा से अमेरिकी विशेष समन्वयक उजरा जिया की मुलाकात पर भड़का चीन, दिया बड़ा जवाब। बोइंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए स्टारलाइनर कैप्सूल को किया लॉन्च, कई सालों बाद मिल सकती है सफलता। अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी ने रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से की बातचीत, सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत कोरोना महामारी के दौरान भी सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के साथ खड़ा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान और उत्तर कोरिया की यात्रा पर हुए रवाना, क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दी चेतावनी, मोल्दोवा को सावधान रहने की दी सलाह। यूएन ने लगाया अनुमान, सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग्स ने घटाया ग्रोथ का अनुमान। शानदार तेजी के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स में 1030 अंकों का उछाल, निफ्टी में 16130 के पार। पोम ऑयल के आयात से मिलेगी खाद्य तेलों की महंगाई से राहत, इंडोनेशिया शुरू कर रहा है निर्यात। श्रमिकों को बिना कुछ किए हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए, सरकारी योजना का है बहुत फायदा। चिंता का सबब बना गिरता रुपया, बढ़ सकता है चालू खाता घाटा और घट सकता है विदेशी मुद्रा भंडार। महंगाई भत्ते में एक साथ 14% की बंपर हाइक, साथ में मिलेगा 10 महीने का मोटा एरियल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बाध्य नहीं। अमेरिकी शेयर बाजार में मचा कोहराम, डाउ जोन्स 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरा, नैस्डेक 4% से ज्यादा टूटे। पाकिस्तान में आर्थिक संकट, महंगे गैर जरूरी सामान के आयात पर रोक लगाई गई, जिसका इस्तेमाल आम लोग नहीं करते। सोना चांदी लगातार हो रहा सस्ता, खरीदने का है प्लान तो जल्दी से चेक करें 10 ग्राम का भाव। पर्पल कैप की सूची में आरसीबी के गेंदबाज वानिंदु हसरंगा पहुंचे टॉप पर, चहल दूसरे नंबर पर खिसके। मुंबई के समर्थन में कप्तान फाफ और विराट कोहली ने लगाए नारे।
बीसीसीआई ने भारत दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए स्टेडियमों में बैठने की पूरी क्षमता की दी अनुमति। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने चुनी संभावित टीम, उमरान समेत कई खिलाड़ियों को दी जगह। मोबाइल की रोशनी में टिप्पे का अभ्यास करके मुंबई का खिलाड़ी ऋतिक शौकीन बना क्रिकेटर का ऋतिक। गुजरात को हराकर आरसीबी ने जिंदा रखी प्लेऑफ की उम्मीद। आईपीएल 2022 में खत्म हुआ पंजाब हैदराबाद का सफर। आरसीबी के लिए 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली, चेंज करते हुए 3000 रन का आंकड़ा छुआ। गेंदबाज से टकरा गए विराट कोहली और फिर मैदान पर ही लेट गए, थम गई थी सबकी सांसें। वेडको पवेलियन में गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट में पाए गए दोषी। गुजरात के खिलाफ कोहली ने बनाया लगातार दूसरा अर्धशतक, आखिरी मैच में दिखाया दम। रेड कार्पेट पर छाई ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण, स्टनिंग लुक से ट्रोलर्स की बोलती बंद। नेटफ्लिक्स ने बदला प्लान, हिंदी में आ जाएगी फिल्म आरआरआर Z5 पर सभी दक्षिण भारतीय वर्जन हुए मुफ्त। आश्रम थ्री के बाद अदिति पोहनकर की वेब सीरीज शी के दूसरे सीरीज के लिए रिलीज डेट का ऐलान, 17 जून को प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा स्ट्रीम। सोनू निगम ने दिया विवादित बयान, अजान के बाद अब नवरात्रि को लेकर कहा कोई भक्त नहीं है जो कहे कि जय श्री राम कह लो। मम्मी ऐश्वर्या संग पार्टी में अलग अंदाज में नजर आई आराध्या, हॉलीवुड एक्ट्रेस ईवा लोंगोरिया को लगाया गले। सादगी और सहजता से भरपूर मनोरंजन देता है पंचायत 2, मजेदार है सचिव जी के नए एडवेंचर। हॉरर में कॉमेडी का तड़का पसंद है तो जरूर देखने जाएं भूल भुलैया 2, तब्बू और कार्तिक का चुलबुला अंदाज करेगा एंटरटेन। तारा सुतारिया ने आधार जैन संग रिश्ते पर बात करते हुए कहा कुछ चीजें प्राइवेट और सीक्रेट ही रखना अच्छा होता है। फैंस को पसंद आई कंगना रनौत की धाकड़, बोले नेशनल अवार्ड इस बार भी पक्का है। एक्टर कार्तिक आर्यन ने सारा अली खान संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, कहा हम भी इंसान हैं, सब कुछ प्रमोशन नहीं है। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।